अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माँ को रिहाई मिली। ये वो तारीख थी जिसका हर भारतवासी को बरसों से इंतजार था और इसी के साथ नए भारत का जन्म हुआ, नए इंडिया का उदय हुआ, जिसके पास अब तक अपना सब होते हुए भी अपना नहीं था। लेकिन आजादी के साथ ही हिंदुस्तान को सब कुछ मिल गया, जमीन मिल गई, समंदर मिल गया और आसमान मिल गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए ढेर सारे सपने देखे थे, लेकिन उन्हें पूरा करने में अड़चने थी, जैसे स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज कैसे स्थापित होगा, भारत किस सिद्धांत पर चलेगा, भारत किस मॉडल को अपनाएगा जिससे हर भारतवासी की सारी आकांक्षाएं पूरी हों। इसके लिए संविधान की आवश्यकता थी। वैसे तो देश के आजाद होने से पहले ही देश के संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। हालांकि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसको पारित किया था। उस वक्त भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मौजूदा समय की बात करें तो भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया तो इसके सभी सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, सिवाय क्रांतिकारी शायर और संविधान सभा के सदस्य हसरत मोहानी के। उन्हें नेहरू जी ने मनाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वे अडिग रहे। दरअसल वे भारत को राष्ट्रमंडल का अंग बनाए जाने के विरोधी थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के पारित होने के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक तरीके से लागू कर दिया गया और उसी दिन से गणराज्य भारत की शुरुआत हुई। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। तब से हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे एक और तर्क दिया जाता है। दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। ऐसे में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।